हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि डिवीजन का अर्थ है जोड़ यानी कि एडिशन, और एडिशन का यानी कि प्लस का अर्थ है घटाव यानी कि माइनस, और माइनस का अर्थ है गुणा यानी कि मल्टीप्लाई, और गुणा का अर्थ है भाग यानी कि डिवीजन, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो एसएससी कांस्टेबल में 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया हुआ है 49 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 डिवीजन 9 प्लस 4 व्हाट, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ए 35 है, बी 39 है, सी 26 है और डी 31 है। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बिल्कुल वैसे ही लिख लेते हैं जैसा इन्होंने बताया है। तो देखिए 49 तो हमने नंबर तो चेंज नहीं होंगे लेकिन सिंबल चेंज हो जाएंगे आपके, ये मल्टीप्लाई इन्होंने बताया। तो मल्टीप्लाई का इन्होंने बताया कि मल्टीप्लाई का जो मल्टीप्लाई है उसका अर्थ जो है वो क्या है, मतलब डिवीजन है। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, डिवीजन 7 नंबर ऐसे लिख देंगे। माइनस का अर्थ इन्होंने बताया क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई लगा देंगे और क्या कर देंगे 3। फिर डिवीजन का मतलब इन्होंने क्या बताया, जोड़ यानी कि यहाँ प्लस लगा देंगे हम। ठीक है, और 9 लगा देंगे। अब प्लस का मतलब क्या बताया इन्होंने, प्लस का अर्थ है माइनस यानी कि यहां माइनस कर देंगे और ये कितना है 4। पहले तो हम इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसका एक जो ऑपरेशंस होते हैं इनका एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं बोर्ड मास। ठीक है, ये हम 6-7 क्लास में पढ़ते हैं। बोर्ड मास जो है वो क्या है, ब्रैकेट ओपन, डी से होता है डिवीजन। सबसे पहले आपको करना क्या है, डिवीजन, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन करना है आपको। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसमें आपको एडिशन करना है, और ठीक है एडिशन करना है, और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस नियम को फॉलो करते हुए, इस लॉ को फॉलो करते हुए हम चलते हैं, इस रूल को फॉलो करेंगे। तो देखिए कैसे आएगा आंसर आपका, देखिए 49 है ये, बीच में क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। तो हमने डिवीजन वाला पोर्शन ले लिया, इसमें डिवीजन कहां पर है, यहां पर है, तो 49 को 7 से डिवीजन कर देंगे, 7 7 49, तो इसका तो हो गया 7। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है मल्टीप्लाई, बीच में लगा हुआ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 3 बाई 9 प्लस माइनस 4 यह है। अब हमें करना है क्या, मल्टीप्लाई, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 3 21। अब आपको क्या करना है, एडिशन, एडिशन कितना हो रहा है यहाँ पर, 9, एडिशन वाला कितना है 9 माइनस 4। ठीक है, तो 21 प्लस 9 कर दिया आपको कितना हो गया, ये 30, इसमें से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 4 26। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, इसमें सी है। ठीक है, इस तरीके से आप इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कर सकते हैं, याद रख। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और, किसी विशेष कूट भाषा में, कूट भाषा क्या होती है, कोड वर्ड वाली भाषा, किसी विशेष कूट भाषा में प्लस जो है वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है और माइनस जो है वो प्लस को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई डिविजन को रिप्रेजेंट करता है और डिवीजन जो है वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है, आपको बताना है इसका आंसर। 16 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, चार ऑप्शन हैं इसके, 22 27 16 और 13। और ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस में कांस्टेबल में 2018 में आया है, जो अभी 2 साल पहले एग्जाम हुआ था उसमें आया है ये। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम इसके जो साइन है उसको उसके
अकॉर्डिंग सेट करें। आप देखिए तब से पहले इन्होंने यहाँ डिवीजन दिया है, तो डिवीजन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, माइनस से, तो ये 16 माइनस कर देंगे, माइनस 8। अब साइन क्या आ रहा है आपका, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कहाँ है आपका, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई काय को रिप्रेजेंट करेगा, डिवाइड को, तो यहाँ हम डिवाइड लगा देंगे 4। फिर आपका है क्या, माइनस, माइनस कहाँ है आपका, माइनस जो है वो प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। माइनस के बाद क्या है, 2, और 2 के बाद है प्लस, तो प्लस कहाँ है, प्लस जो है वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई 1। ये तो हो गया आपका इसका अरेंजमेंट। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बोर्ड मास जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे, बोर्ड मास। ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, तो हम इसको यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिवीजन से, तो डिवीजन कहाँ पर है, यहाँ पर 16 माइनस 4 टू द 8, 2 आ गया, प्लस 2 इंटू 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 16 माइनस 2, 2 वन द 2 दिया गया। अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो एडिशन सिर्फ उनमें ही करेंगे जिसमें प्लस का साइन है। अब जैसे ये प्लस है और ये भी उसमें प्लस का साइन है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 2 18 माइनस 2, तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपका, 16। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, यदि मल्टीप्लाई को माइनस और डिवीजन को प्लस के रूप में माना जाए, तो 55 मल्टीप्लाई 50 डिवीजन 25 ब्रैकेट बाय क्लोज डिवीजन 125 का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम जो साइन है पहले वो साइन पुट अप कर लेते हैं। देखिए 55 मल्टीप्लाई को आज इन्होंने क्या बताया कि माइनस से आप डिनोट करो, ठीक है, ये हो गया। और फिर डिवीजन को कैसे कर रहे हैं, प्लस से, फिर डिवीजन लगा देंगे, डिवीजन कितना है 25, ठीक है। और फिर डिवीजन आ गया, तो डिवीजन में फिर क्या रहेगा, फिर दोबारा से प्लस आ जाएगा 125। पहले तो हमने साइन को सबको, जितने भी साइन थे सबको अरेंजमेंट कर लिया उनका। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इसमें हम लगाएंगे बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट ओपन। तो ब्रैकेट ओपन में भी हमें जो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट्स का रूल ये होता है, पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और सबसे बड़ी ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या, 55 माइनस 50, तो ये रह गया आपका 5। अब प्लस 25, क्योंकि ये दोनों भी ब्रैकेट में है, तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को, इसको इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 30, ये 125 आ गया आपका। इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया है 155। तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर सही हुआ, हमारा ऑप्शन डी सही हुआ, ठीक है। चलिए अब हम वीडियो को आज यहीं पे फिनिश करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, कमेंट में आप उसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है और माइनस का अर्थ डिवीजन है और एक्स का मतलब क्रॉस, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है और डिवीजन का अर्थ जो है वो प्लस है, तो आपको 8 डिवीजन 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 इसका क्या आंसर आएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके ए 4, बी 0, सी 8 और डी 6, ये आपके ऑप्शंस हैं। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम फिनिश करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसका आंसर क्या आएगा साथ ही साथ इसका आंसर भी बताइएगा।